सफर हमने देखा है सोशल मीडिया पे, क्या कुछ कहना चाहोगे इस सफर के बारे में? शुरुआत आपसे, हिंदी वाला सफर या इंग्लिश वाला? क्योंकि दोनों ही थे, गुजराती में कोई सफर नहीं होता, एक ही दोनों भी थे। जर्नी बहुत अच्छी रही और सफरिंग भी उतना ही था वहाँ पे, क्योंकि स्टंट्स शिव को बोलना है। नहीं चुप है प्लीज। नहीं शिव को बात ना करो, लेडी फर्स्ट। तू सांग चल ना, तेरा अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो जर्नी बहुत अच्छी रही, मज़ा, आई थिंक इट वाज अ मिक्स ऑफ इमोशंस, मस्ती भी उतनी की, रोए भी उतने, रुलाए भी उतना ही है, एक दूसरे की टांग खिंचाई भी उतनी की है, लिटरल सेंस में नहीं, बाल भी नोचे इन लोग के, नहीं हम लड़कियों के, बट मजा आया। प्लीज मैम, तुला बघून बघून गेलो या दंगून, उन्हात चांदण झाले, ओळीला मराठी येते, वर शिरले अंगात आलो या रंगात, तुझ्यात गुण तुण गेलो या माझ्या उरात धडधड, कशी होती या फडफड। वैसे सफर की बात करें तो मैं सबको यही बोल रही थी कि सफर खूबसूरत था मंजिल से भी, मतलब डेस्टिनेशन कोई भी हो, जर्नी सही होनी चाहिए, और जर्नी जो थी हमारी बहुत ही धमाकेदार थी। मेरी तो कुछ ज़्यादा ही थी, क्योंकि इतने पैनिक मोड में मैंने सारी चीज़ें की हैं, और इसका मतलब ये हमारे सीजन की शायर थी, और जिसमें मैंने दो तीन मुश्किल से शायरी बोली होगी, क्योंकि निकल ही नहीं रही थी भाई, डर के मारे गला इतना सूख रहा था। तो इसके अंजुम को हम लोग ने एक लाइन दी थी, डरती है पर करती है। ये शिव ने बोला था कि ये डरती है लेकिन करती है, तो वैसे किया तो मैंने बहुत कुछ है डर डर के, लेकिन किया है ना। बिल्कुल किया, पहले डरती थी फिर स्टंट कम्प्लीट करके जीत के आती थी, ये लड़कियों को होता है ना थोड़ा सा नर्वस, फिर उधर जाके ये जीत के आई तू, कहाँ जीती हूँ सोनिया, स्टंट तो जीती है ना। सुन जो भी ये बोल रहे, सुन मत, हफ्ते का पैसे कट करेंगे कलर्स वाले। देखिए धुआं उठा है तो चिंगारी कहीं लगी होगी, इसलिए धुआं उठा है, तो ज्यादा मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ऑफकोर्स ऐसा हुआ है। बहुत सारे स्टंट्स हारी हूँ मैं, जीती बहुत कम हूँ, लेकिन जितनी भी मेरी खूबसूरत जर्नी रही है बहुत ही अमेजिंग रही है। कुछ पुराने दोस्त थे ऑलरेडी और कुछ नए दोस्त मैंने बनाए हैं। शिव और डेजी की अगर मैं बात करूँ तो डेजी ने मेरे मिटन शेयर, मैंने पोइट्री भी लिखी है इंस्टाग्राम पे डेजी के लिए, मिटन से लेके चिप से लेके मेरी विक्ट्री में डेजी को हक करने से लेके सब कुछ, क्योंकि हम साथ में ग्रीन रूम शेयर करते थे मैं और डेजी, तो हमने बहुत वक्त बिताया है। और शिव होटल में मेरा नेबर था, जस्ट बाजू में इसका कमरा था, तो जितनी बार भी मैं रोई हूँ डेजी और शिव के सामने, शिव ने मेरे ऐसे आंसू पोंछे, ऐसे कुकीज शेयर की है शिव ने मेरे साथ, और रैली स्प्रे, मेरे को जब मसल स्पैज़म हुआ था मैंने ग्रुप पे लिखा था कि अगर किसी के पास रैली स्प्रे है इतने में नॉक होता है, देखती हूँ शिव वो मेरे को रैली स्प्रे देता है, तो बहुत ही प्रोडक्शन का था बट दिया। बट बहुत ही प्यारी दोस्ती मैंने कमाई है इस शो में शिव और डेजी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मतलब मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं कोई स्टंट कर पाऊंगी, वो मैंने कर लिया, जीती हारी वो अलग बात है, स्टंट परफॉर्म किया वो बहुत बड़ी बात है, और वो करके आई हूँ, तो मैं सबको यही बोल रही थी कि जितने कम कॉन्फिडेंस से गई थी उतनी कॉन्फिडेंट होकर आई हूँ, मतलब अब जिंदगी चाहे कुछ भी फेंके मेरे सामने, खिलाड़ी थी नहीं लेकिन खिलाड़ी बनकर आई हूँ। ये कैप्शन था तेरा एक पिक्चर? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं अभी करूंगी, मैं कैप्शन लगाऊंगी मैं। मैं सच्ची कहूँ तो ये जर्नी मेरी पूरी, जैसे बोलता हूँ कि जितने रियलिटी शो किए उससे सबसे अलग ये शो था, और इसमें बहुत अप एंड डाउन आते हैं, हर दिन लगता है कि पूरे लाइफ का टेंशन उसी दिन है, और ये मतलब वो स्टंट आने तक, और फिर कभी कभी होता है स्टंट आने के पहले जो डर होता है, फिर आप पता तो ये नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगा पता नहीं,
जब हो जाता है वो सिर्फ खतरों के खिलाड़ी में होता है कि जो आपको देख के लगेगा नहीं हो पाएगा, फिर होने के बाद लगता है नहीं यार कर लिया, वो टाइमिंग का एक अलग चीज़ है, बट पहला फोकस होता है सभी का कंटेस्टेंट का कि वो स्टंट कंप्लीट करना। तो मुझे लगता है कि वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, और कोई भी रियलिटी शो कर लो, कोई भी फिल्में कर लो, कोई भी सीरियल कर लो, पर खतरों के खिलाड़ी का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। और वहाँ पे कौन स्ट्रांग है, मैंने जैसे इसके पहले जाने के पहले बोला कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, कोई नहीं, हर कंटेस्टेंट लड़खड़ाया है, गिरा है, फिर संभला है और फिर आगे बढ़ा हुआ है, और जितने लोग पहले गए लास्ट गए ये कोई मायने नहीं रखता, रखता है कि आपने स्टंट कंप्लीट किए और खतरों के खिलाड़ी के किए। भाई वहाँ पे खूब खतरनाक है, हाइट काय का हेलीकॉप्टर ने गोल गोल फिर फाकून देता था। मैं बोला ना कि ये सिर्फ जर्नी पूरी लाइफ की तरह थी जिसमें बहुत अप एंड डाउन थे, और मैं कहता हूँ कि स्टंट के दौरान आपको कोई दोस्ती काम नहीं आती, उसके पहले और बाद में जो दोस्ती हुई है ना वो उसके पहले या बाद में जो जोन होता है कि हमें कुछ लेना देना ही नहीं, मतलब बहुत कुछ भी बिना टॉपिक के हम मस्ती कर रहे हैं। जैसे अंजुम ने बोला कि हम कोई भी इसमें मस्ती कर सकते थे, बस में जाते वक्त इसके डेजी के साथ अलग, बॉयज वाला ग्रुप अलग था, बॉयज वाला ग्रुप का वहां पे कैमरा नहीं था, आप पागल हो जाते, तारीफ कर रहे हो ना तुम, दिखे मुझे दोनों इसीलिए ये दोनों इधर ही है, तारीफ थोड़ी कम करता हूँ, बट एक बॉयज का ग्रुप था जो पागल गॉसिप करता था। हाँ लड़कियां ही सिर्फ गॉसिप नहीं करती, लड़के भी करते हैं, यहाँ पे खाली लड़के करते हैं, हम बहुत करते थे, बहुत मजे किए हमने। तो मुझे लगता है नायरा फुटेज के लिए इधर आने को मिलेगा, फालतू का नहीं, नहीं गॉसिप खतरों के खिलाड़ी में मिलता है, बस पब्लिक तक नहीं आता है, वो हमारे तक ही रहता है। नहीं एक पॉइंट, एक स्टार्टिंग में एक्चुअली ऐसा था कि कल क्या होगा कल क्या होगा, आई थिंक थोड़े दिनों के बाद हम लोग ने सोचना भी छोड़ दिया था, क्योंकि जो सोच कर जाते थे कभी नहीं होता था। पर एक था गीले कपड़े दिखे, सबके एक दूसरे की तरफ देखते थे, भाई पानी का स्टंट हो सकता है। जब भी क्रेन दिखेगी, अभी अर्जित ने कल यहाँ पे मुंबई में भी क्रेन दिखी, भाई हाइट का स्टंट है शायद। तो ये चीज़, और सपने मुझे नहीं लगता है, मुंबई के सपने, गर्लफ्रेंड के सपने, फैमिली के सपने बंद हो चुके थे हमें आफ्टर 8 डेज, हमें सपने आते थे पानी के, क्रेन के, ऐसे कुछ हवा, और एक एक जोन था जब कुछ जम किए तो वो फ्लैग हाथ में नहीं आया, पानी में डूब गया आदमी, वो मुझे 15 दिन तक दिखा, डायरेक्ट पानी में जा रहा हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू, 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 थैं